हमें तो इस मीटिंग में दावत नहीं दी गई थी, तो वो तो लोग वहाँ जाने जो इसका जिन्होंने मुशाहिदा किया। जहाँ तक हमारा मानना है, आप समझिए कि मुल्ज़िम मक्तूल बनना चाह रहा है, और मेरे हिसाब से जो इस मीटिंग का नतीजा निकला है कि एक डेलीगेशन जाएगी प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए। वो डेलीगेशन किन लोगों की? वो डेलीगेशन उन लोगों की है, उसमें से बेशतर लोग जो हैं वो सब सरकार चला रहे हैं। उनके ऊपर 14 आदमियों का खून लगा हुआ है पिछले 3 हफ्ते से, तो वो क्या लेकर यहाँ से जाएंगे और क्या राहत प्राइम मिनिस्टर से मांगेंगे मुझे मालूम नहीं। हर किसी अच्छी या बुरी जो डेवलपमेंट होती है उसकी रिपरकशंस होती हैं, अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं। योर पार्टी हैज़ फ्रॉम डे वन बीन एडवोकेटिंग रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, व्हाइल एज इन कंट्रास्ट टू दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज ऑलवेज बीन ऑन द अदर साइड। बमबारी की भी बातें हो रही थी पाकिस्तान पे, अब जबकि उनके स्टांस में इस हद तक तब्दीली आई है कि दे आर शाउटिंग रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, हाउ डू यू रेट दिस डेवलपमेंट? रॉन्ग पीपल शाउटिंग रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, इट विल नॉट बी हर्ड। और हाँ, अच्छा उन्होंने किया कि हमको नहीं बुलाया, क्योंकि मैं शायद उमर अब्दुल्ला साहब को और फारूक साहब को और जो भी वहाँ कांग्रेस के जितने भी लोग इस वक्त की कोलेशन के हैं उनको शायद कुछ ऐसी बातें बताता जो उनने जिंदगी भर शायद ना सुनी हो। और अब देखिए, इसमें ना बुलाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल को जब प्राइम मिनिस्टर ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाएंगे उस वक्त कहाँ बचेगा उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला या कांग्रेस का जो वहाँ लीडरशिप है? हमारे सामने नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं वो जा रहे हैं मांगने कश्मीर के बारे में रिलीफ, और वो वहाँ ये मांगने जा रहे हैं कि हम उनके सामने पेश करेंगे कि आप सजा दिलवाएं उन लोगों को जिन्होंने ये काम किया है। भाई, सबसे पहले आप यूनिफाइड कमांड के हेड और उसके डायरेक्टर जनरल पुलिस और कोर कमांडर को, उनको सजा दीजिए। हमने तो पिटिशन लगाई है पिछले 4 साल से, जो इस वक्त भी चल रही है ह्यूमन राइट्स कमीशन में यहाँ के, कि यूनिफाइड कमांड का हेड चेयरमैन होता है, और उस वक्त यहाँ के वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब, हमने कहा था इनको डायरेक्ट चार्ज कीजिए फॉर मर्डर, बिकॉज गोली इनके ऑर्डर से चलती है, नहीं तो गोली आप नहीं चला सकते। तो मेरे जैसे लोगों को वो कोशिश करेंगे जितना दूर हो सके रखने के लिए। चले, मान लिया। एक और पहलू ये है कि जो मैंने पहले भी आपको बताया कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इलाके हिंद की सबसे बड़ी हामी जमात थी गुज़श्ता अय्याम में, खासकर इन 20 साल में बमबारी की भी बातें हो रही थी पाकिस्तान के अल्फाइम पे, अब वही कह रहे हैं कि आप ये मसला हल करो, कश्मीर एक मसला है, इसको कैसे रेट करते हैं इस डेवलपमेंट को? ये वो तो वो इन दिनों कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, पिछले 20 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है, 14 हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, कल का कोई मामला वहाँ किसी ने उठाया कि इन फैमिलीज का हमारे मखलूत सरकार में से कोई इनके घर पे गया देखने के लिए कि उनका क्या हो रहा है? किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हम ये आवाज़ उठाते हैं, अगर हमको बोलते हो जाने के लिए, हम ये बोलते हैं आप छोड़िए सारा, ये सारी बातचीत छोड़ दीजिए, आप गवर्नमेंट आपके हाथ में, आप प्रधानमंत्री को क्या 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 देने जा रहे हैं? वो तो मैं जाऊँगा उनको बोलने के लिए कि आप कत्लेआम यहाँ पे करा रहे हैं, जिनसे आप कत्लेआम करा रहे हैं उन्हीं को आप दिल्ली भेज रहे हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं आप दिल्ली? जैसे आपने एक इशारा किया कि उनको भाई शर्म से डूब मरना चाहिए सबको जो वहां पे बैठे हुए थे। पहले आप इन 14 आदमियों का, इन 14 बच्चों का बताओ आप क्या कर रहे हो, जो रिस्पॉन्सिबल है इसके उसके उसके लिए आपने क्या ये तजवीज पेश की है उसके उसकी सजा की? प्रधानमंत्री क्या करेगा? और दूसरी बात, जो भी वहां पे लोग बैठे हुए थे फारूक साहब के साथ बदकिस्मती से, मेरा जो उनके साथ तलख कलाम हुई और ये अपने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पे, उनसे मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा जनाब आप यहां पे बैठे हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस वाला वहां बैठा हुआ था और पीडीपी वाला बैठा हुआ, मैंने कहा अगर आप तीनों ये फैसला करें, तीनों को छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो मानेगी नहीं आपकी बात, पीडीपी वाले और आप, अगर आप ये फैसला कर दें आज कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन इट, अगर कल यही वहां पे हम
हम जैसे लोग वहां होते, हम यही आवाज वहां उठाते कि आप अभी इस मीटिंग में सब कुछ छोड़ दीजिए, आप एक लाइन मान लीजिए, आप सब लोग कॉल अ सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, उसमें यह रख लीजिए कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इज विड्रॉन। ये नहीं कि मैं दिल्ली जाऊंगा पहले पूछने चिदंबरम जी से और प्राइम मिनिस्टर से कि मैं ये करने जा रहा हूं। ये फर्क है नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस वाली लीडरशिप और जो आज की लीडरशिप हमारे सर पे इस वक्त सवार है। मैं ये बात करता हूं, मगर किसी एक बंदे ने इस बारे में बात नहीं की है कल वहां पे, बगैर इंजीनियर रशीद ने थोड़ा तुतु मैमे की है बीजेपी वालों के साथ, मगर इस बारे में बात नहीं की कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट भी विड्रॉन। हमारी लेजिस्लेचर के पास पावर है। और दूसरी बात यह है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट इज ओनली फॉर द आर्मी, वो उतना अप्लाई नहीं होता है टू सीआरपीएफ एंड उसमें देयर आर मेनी लीगैलिटीज। मगर अगर यहाँ की रियासती सरकार चाहे, सर कोई आर्मी का बंदा या पुलिस का या पैरामिलिट्री का गोली नहीं चला सकता जब तक उसको रियासती चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर ना हो। सर, ऑफिशियल स्टैंड क्या है आपकी पार्टी का इलेक्शन कमीशन के पास, व्हेदर इट इज रजिस्टर्ड, रिकॉग्नाइज्ड? इट्स अ रजिस्टर्ड पार्टी फ्रॉम 1986, ऑफ कोर्स, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हियर। इट इज लेड बाय बेगम खालिदा शाह, हु हैज लेड प्लेबिसिट फ्रंट एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस व्हेन द एंटायर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप वाज इन जेल। फारूक अब्दुल्ला साहब तो उन दिनों लंदन में थे, उमर अब्दुल्ला तो पहले ही हुआ था, उनको कहां पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस बला का नाम है, दे डोंट नो इट। वो मेरे जैसे आदमी के सामने क्या फेस करेंगे? हम तो उनको कहते हैं आप छोड़ दीजिए सरकार, आप बोलिए ये आपकी सरकार रही, हम जा रहे हैं। 20 दिन से तो आलम देखिए आप अपना क्या। शाह साहब, इस सारी सूरत हाल में एक बात जो खुशाइन है, जो उभर कर सामने आ गई है कि विद इन द इंडियन सिविल सोसाइटी एक डिबेट खुला है, जो बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे, मसले कश्मीर के हवाले से मसाला ही नहीं मानते थे, अब इंडियन सोसाइटी भी बेदार हो रही है कि कुछ न कुछ तो है। इस मौके पर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो स्टांच प्रीचर रही है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी या जो भी कहेंगे आप, आर पार की जो इंटर कश्मीर कॉन्फ्रेंस वगैरह है, क्या रोल देखते हैं फ्यूचर में तो कैपिटलाइज होना है? पहले तो सबसे अहम बात है डिबेट खोलना थ्रू एनजीओस। यहां पे कितने लोग डिबेट करने आए, कितनी कॉन्फ्रेंसें चली, मगर वो कज़े जमीन बरसरे जमीन नहीं थी, वो बाहर के लोग आए, गिने चुने लोग उसमें गए, क्लोज डोर मीटिंग हुई, चले गए। हमारा मान ऑलरेडी एक ये प्लान है जो हम 22 और 23 को करने जा रहे थे, एक राउंड टेबल ऑन कश्मीर, और उसमें कौन होगा आप देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। दिस इज ये प्रीलूड है इंट्रा कश्मीर की, पहला सेशन जो इंशाल्लाह कश्मीर में होने जा रहा है, उसके पहले चूंकि ये हालात हुए हैं इसलिए हमने खालदा जी ने मुनासिब समझा कि आप एक राउंड टेबल बुलवाइए। और इसका जिक्र मैंने करीब 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था ऑफिस में कि यहाँ जब ह्यूमन राइट वायलेशन होती है तो आप समझ लीजिए हमें कोई में आवाज दे रहे हैं, कोई आपकी बात नहीं सुनता। तो उस वक्त हमारी पार्टी ने फैसला किया था कि आप यहाँ पे ये राउंड टेबल बुलाने के बजाय आप दिल्ली में बुलाएं, और वहां किसको बोले आप, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल बीएसएफ, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ, डायरेक्टर ऑफ आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसके साथ हम बातचीत नॉर्मली नहीं करते, उनको भी बुलाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री के अराकीन, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड, डिप्लोमेट्स, जूरिस्ट्स, और फिर यहां से लोग ले जाएं हर जमात में से अपने हुर्रियत के लीडरान को, हम हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अभी मैं परसों से ये शुरू कर रहा हूं ये काम कि प्लीज आप वहां आए और ये अपने कॉज को वहां प्लीट करें, ह्यूमन राइट्स के कॉज को प्लीट करें, इनके सामने जिनसे हम पर परेशानी होती है इनके ऑर्डर्स के थ्रू। मैं चीफ मिनिस्टर को भी दावत दूंगा इसमें, हालांकि वो मेरे सामने खड़ा होने से डर रहा है, मगर आई विल डेफिनेटली कॉल हिम एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, प्लीज कम, बात सुनो क्या है, क्या इसका तरीका, किस तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं। और जो आप लोगों के साथ मामला है, नेशनल प्रेस कैन डू एनीथिंग हियर, उनके चैनल्स कैन डू एनीथिंग हियर, पर आपका आदमी आपके अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए। सो हमने एक कैप्शन रखा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इट विल बी डिबेटेड। यहां आप लोग आप जितने भी आपके दिग्गज आपके भाई हैं वो सब हम दावत देंगे उनको, दिल्ली आइए, सामने बोलिए इनको कि आप लोगों ने यह हमारे साथ किया, क्यों किया, इफ यू आर, अभी तो हम यहां के डेमोक्रेसी के पार्ट है ना, सो व्हाई आर यू बिहेविंग विद अस लाइक दिस।